भूत बंगला। ये कहानी केविन की है। केविन एक घोस्ट हंटर था जिसे घोस्ट हंटिंग का बहुत शौक था। वो इंडिया और दुनिया भर की सारी हॉन्टेड जगहों पर जाकर उनकी यहाँ के भूतों को पकड़ने की कोशिश करता था। लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसमें शायद वो खुद भूत का शिकार बन जाता। कहते हैं कि अमेरिका के आउटस्कर्ट में एक खंडर है जो किसी समय में एक हवेली हुआ करती थी। उस हवेली की मालकिन एक डायन थी जो अपने यहाँ काम करने वाले नौकरों का सर काटकर उनकी बलि देती थी। वहाँ काम करने वाला हर नौकर 2 साल के बाद लापता हो जाता था। समय के साथ उस इलाके के लोगों को इस बारे में पता लगा और उन्होंने पूरी हवेली को चारों तरफ से घेर कर उसमें आग लगा दी। तभी से वो हवेली खंडर बन चुकी है। केविन उसी हवेली में जाकर रात बिताने का प्लान कर रहा था। वो ड्राइव करके वहां पर पहुंच गया। बाहर जोरों की हवा चल रही थी। केविन उस हवेली के अंदर गया। उस हवेली का रंग काला था और वो जगह जगह से टूटी हुई थी। केविन अपना कैमरा ऑन करके अंदर चला गया। अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा कि जैसे उसके सर से कोई चीज आकर लड़ी। केविन ने आगे पीछे देखा लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कुछ और आगे बढ़ा और इस बार उसके हाथ से आकर कुछ लड़ा और उसका कैमरा नीचे गिर गया। केविन ने अपनी टॉर्च ऑन की और अपने आसपास देखने लगा। उसे हवेली की छत पर कुछ चमगादड़ लटके हुए दिखे। उस हवेली के कोने में मकड़ियों के जाले थे। हवेली की दीवारों पर कुछ फोटोज लटकी हुई थी जिसमें से एक फ़ोटो उस डायन की थी। उसने ज़मीन से अपना कैमरा उठाया और फिर से सब कुछ रिकॉर्ड करते करते आगे बढ़ने लगा। इस बार फिर से उसके चेहरे पर कुछ जोर से आकर लगा और वो नीचे गिर गया। आखिरकार केविन का ध्यान अपने कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे उस वीडियो पर गया। फ़ोन में उस रिकॉर्डेड वीडियो को देखने लगा। जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। पूरी हवेली में कटे हुए सर हवा में मंडरा रहे थे। वो कटे हुए सर केविन को देखकर कुछ बोल रहे थे। केविन ने वॉल्यूम बढ़ाकर सुनने की कोशिश की। उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। भाग जाओ यहाँ से। क्यों आया है? भाग जाओ। क्यों आया है? मरने जैसा। क्यों? इसके अलावा जमीन पर उन सभी सरों के धड़ पड़े हुए थे। केविन को डर लगने लगा था। वो खड़ा हुआ और उसने फिर से अपना कैमरा ऑन किया और सब कुछ रिकॉर्ड करने लगा। उसे अब अपने कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। रिकॉर्डिंग ऑफ की और वीडियो देखने लगा। रिकॉर्डिंग वीडियो में उसे फिर से कटे हुए सर दिखाई देने लगे जो चिल्ला चिल्ला कर उसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहे थे। केविन ने तभी अपने फ़ोन में उस डायन को देखा जो वहाँ पर रहा करती थी। उसका चेहरा काला पड़ गया था, हवेली की रंग की तरह। वो लगातार उसे घूरे जा रही थी और उसे देखकर मुस्कुराए जा रही थी। केविन ने अपना कैमरा उठाया और वो तुरंत भागने लगा। अचानक से उसने उसे पकड़ लिया। केविन आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। उसने जैसे तैसे खुद को उसके चंगुल से छुड़ाया और वहाँ से भाग गया। वो जल्दी से जाकर अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगा। कुछ देर बाद अचानक से उसने देखा कि उसकी पिछली वाली सीट पर वही चुड़ैल बैठी थी जो उसे अब भी घूरे जा रही थी। तभी सामने से एक ट्रक आया और उसने केविन को कुचल दिया और उसकी वही मौत हो गई। जब पुलिस ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें केविन का कैमरा मिला। उन्होंने उस कैमरे में वीडियो को देखा तो सही लेकिन उसमें कोई भी सर हवा में नहीं उड़ रहे थे। बस केविन ही था जो चिल्ला चिल्ला कर खुद से बातें कर रहा था। हमारे जैसा बनना।